फ्रीक्वेंसी में मेरे और अंगूरी के बीच में हुआ है और इसको हमने क्रोमा पे शूट किया, जिसमें अंगूरी को एक सपना आता है कि मैं जो एक राजा बना हुआ हूँ और वो एक रानी बनी हुई है, और अचानक जो है हमारे बीच में एक क्लासिकल सॉन्ग शुरू होता है जिसमें जो है अजीब सी सरगम भी है, तो सरगम जैसी आती है तो ये राजा जो है अजीब सा बिहेव करने लगता है, तो इसमें अजीब अजीब से जेस्चर, जैसे कभी वो ऋतिक रोशन बन गया, कभी वो दबंग का सलमान खान बन गया, और कभी वो जो है ऐसे करके गॉगल लगा के पहनने लगा, कभी वो घोड़े पे सवार हो गया, कभी वो ऋतिक रोशन का जेस्चर कर रहा है, तो ये सारा कुछ जो है उसमें बहुत ही कॉमिक रिलीफ के लिए राजन सर ने उसमें डाला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और उसके बाद अचानक जब सपना टूटता है तो वो सीक्वेंस जो है बहुत ही मजेदार है, क्योंकि अंगूरी जो है उसी सपने में उसी लय में जो है एक अप्सरा की तरह नृत्य कर रही होती है। तो कुल मिलाकर ये जो है सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ह्यूमर से भरा हुआ था, तो इसमें करने में बहुत मजा आया। सो आई एम शुभांगी आत्रे, आप सबकी चहेती अंगूरी भाभी। और दशहरा एपिसोड में मैंने एक देवी का लुक लिया था, जिसमें अंगूरी जो है वो मनमोहन तिवारी को बिल्कुल भक्ति भावना से देखती है और उनके साथ नृत्य करती है और उनको श्री राम के रूप में देखती है, राजकुमार के रूप में, और खुद देवी बनकर उनके साथ नृत्य करती है। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा गेटअप था जिसमें मेरी स्टाइलिस्ट और मेरी हेयर ड्रेसर ने बहुत बहुत हेल्प की और हम लोगों ने मिलजुल कर एक बंगाली देवी का गेटअप लिया। डांस सीक्वेंस में बहुत मज़ा आया। सो आप लोगों को भी दशहरा सीक्वेंस बहुत अच्छा लगेगा, सो प्लीज़ डू वॉच भाभी जी घर पर है। हैप्पी दशहरा।